होप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है हमारे देवर जी की हल्दी, तो मैं हो चुकी हूँ हल्दी के लिए रेडी। और अभी मैंने वेयर करी है साड़ी येलो रंग की, जो साड़ी आपने मेरे पहले ब्लॉग्स में देखी होगी। येलो साड़ी मेरे पास और कोई नहीं थी, तो येलो साड़ी मेरे पास यही थी, तो मैंने ये वेयर कर ली। बट मेरे पास कुर्ती है येलो जो मैं हल्दी के लिए लाई थी, वो मैंने सोचा वो मैं बाद में वेयर करूंगी, पहले हल्दी मुझे चढ़ानी है तो मैं साड़ी वेयर करती हूँ। शगुन के काम साड़ी में हो तो ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने अभी साड़ी वेयर करी है। एंड इसके बाद अब मैं फिर कुर्ती वेयर करूँ। क्या कर रही हो? और अभी कोई भी रेडी नहीं हुआ, मैं रेडी हो गई थी क्योंकि खाने वाने से फ्री थे। मैं वो मशीन से पानी निकाल देना बाबू, वो चल गई, तो बस रेडी हो गए। हम नीचे चलते हैं, देखते हैं नीचे क्या क्या तैयारी है। खाना वाली आंटी आ गई थी, खाना बना दिया है उन्होंने। पापा वगैरह अभी आए नहीं है, वो आ रहे हैं, उनका वेट हो रहा है। एंड उसके बाद में देवर जी की हल्दी चढ़ेगी, सबको इन्विटेशन दे चुके हैं, सब आ ही रहे होंगे। तो फिलहाल चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है? और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? क्या हुआ बेटू? सभी लोग आ चुके हैं, बस जो भाभी वगैरह आस पड़ोस की वो लोग आने वाली हैं, तो उसके बाद हल्दी स्टार्ट करेंगे। और आंटी यहाँ पे खाना बना रही है हमारी। नीचे आंटी ने गैस चूल्हा रखवा लिया था ताकि इनको इजी रहे, क्योंकि ज्यादा लोगों को खाना बनना था तो नीचे रखवा लिया। आज हम काम से फ्री हैं, आंटी आ गई हमारी तो हम काम से फ्री हो गए। तो बस फिलहाल अभी सब लोग आ चुके हैं, मैं दिखाती हूँ। सबने मोस्टली येल्लो ही वेयर करा है आज, तो हमारी माई भी येल्लो वेयर करके आई है। येल्लो येल्लो साड़ी पहन के आई है माई भी है। और ये मुस्कान दीदी भी रेडी हो चुकी, अब लग रहा है हल्दी है ना, सब पीले पीले दिख रहे हैं। पीला पहन के क्यों नहीं आई? पीली साड़ी भी नहीं? हाँ तो मेरी पहन के क्यों? देखो माइंग कितनी समझदार है, पीली साड़ी खुद ही पहनी आई वो। और हमारी महक ने भी तो आज टीका लगाया है। और बैठे झूले राजा पीले पीले। अभी थोड़े लोगों को और वेट कर रहे हैं, वो लोग आ जाए, फिर उसके बाद में हल्दी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैं पहली बार किसी की हल्दी चढ़ाने वाली हूँ आज। देख सकते हो मैं जो रात बोल रही थी ना आपसे कि मैंने नीचे का सेटअप रेडी करवाया था, तो वो ये करा था हम लोगों ने हल्दी। अभी मेहंदी का और है, वो मेहंदी का उधर लगाएंगे, वो आना भूल गए थे ये लोग, तो अभी वो नहीं आया है। हमारा सेटअप कैसा लगा मजाक मत बनाना, मैंने रात भी आप लोगों से बोला था कि यही छोटा सा सेटअप ने रेडी किया है घर घर में, क्यों रेडी करा है बहुत बढ़िया। और ये इसमें हेल्प मेरी धूले राजा ने भी करी थी रेडी करवाने में। कुल्लू की है गाइस आज का, अभी एक और इसके बाद होगा दो लोग तुम चेंज करोगे, भाभी चेंज नहीं करेंगी। ये धूले राजा बैठे हुए हैं, बड़े खुश लग रहे हैं अभी, है इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इनकी हल्दी चढ़ने वाली है, अंशी नाम की हल्दी चढ़ने वाली है अभी। किसे कौन आया, किसे बुला के लाऊं? ये कौन सी रस्म है? इसका रस्म का नाम तो बताओ। बैठे पड़े हो, कैसी चाहिए? रुई लाओ, घूमते घूमते पतले रुई ना, घूमते क्या खड़ी होगी वो, हटा ले ये हटा। हवड़ धबड़ हो रही है, हवड़ धबड़। चल मम्मी कहने ना गई थी, अभी मारा मारा उन्होंने बहुत। जल्दी बैठो, ऐसी बहू रानी मिल जाए मैं क्या? गोद में भी करूँ, ये बढ़िया। हाँ यार गोद में
गाना चलाऊं क्या अभी? क्या कर रही हो? कल तुम्हारे यहाँ लगेगा बाबू, अब तो ये जा ही नहीं सकते। कल काम तो जाएगा, ये काम पर हम तो गए थे कंगना बनवा कर। कई गांठें लगाई हो भाभी? लड़िए वाली गांठें लगाई हो? हाँ, ये तलवार भी बंद हो जाएगी। तलवार तलवार खुल रही है, हाथ लगे वाली परेशानी नहीं पड़ेगी। नाम हम रुकूंगा परेशानी नजर आ रही है, बोल दूंगी। अब जरूरी पता है वहाँ पे कैसे कंगना बनाओ। जो करो क्या बहुत काजल लगा हल्दी वगैरह से अभी फ्री हुए थे, हल्दी वगैरह सब चढ़ गई थी देवर जी के, और कंगना भी बांध दिया था मैंने, उसके बाद काजल की रस्म होती है वो भी कर दी थी। तो अब हम लोगों का पता क्या है, जब तक हम लोग हल्दी चढ़ा रहे थे तो फोटोशूट नहीं होना था, तब तक लाइट आ रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद में जब फोटोशूट का नंबर आया तो लाइट चली गई। अब लाइट से क्या है ना कि कमरे में रोशनी थोड़ी कम हो जाती है, ये जो हमने झालर लगाई है ये लाइट से इन्वर्टर से नहीं है, तो हमारी फोटो क्लिक नहीं हो पा रही। और फिर अब हम लोग नीचे की सफाई करने आए थे, क्योंकि आती रही जब तक हम काम कर रहे थे, जैसे ही काम खत्म हुआ हमने सोचा लाओ फोन मंगाते हैं फोटो खींचते हैं, तो लाइट चली गई। आज हम लोगों की किस्मत खराब है, हम लोग इतने रेडी होके बैठे कि बढ़िया बढ़िया फोटो शूट करेंगे, पर लाइट धोखा दे रही है, क्योंकि ना वो तार वगैरह को काम चल रहा है वो डल रहे हैं, तो लाइट धोखा दे रही है। अब हम वेट करते हैं थोड़ी देर जब तक फोटो खींचने के लिए, जब तक सोच रहे हैं एक आज रील बना लेती हूँ मैं नंदो के साथ अपनी, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा वेट करो, उसके बाद हिला तो नहीं। तो गाइस अब जाके फाइनली लाइट आई है, हमारा फोटो शूट हो रहा है, ये बढ़िया लग रहा है। देखो इन्वर्टर से कनेक्ट वो ऑलरेडी था, तुम पागल बन रहे थे क्या? इन्वर्टर से कनेक्ट तो ही ऑलरेडी था, थोड़ी लाइट और चाहिए होती। फाइनली मेरी खींचो, हटना सॉल्व आप खींचो, बढ़िया बढ़िया।
इन दोनों की खींच दो पहले भाइयों की दोनों की ठीक है इनके दोनों भाइयों के खेत तो फिर मेरी हल्दी चढ़े की बैंड बजेगा हल्दी चढ़े की बैंड बजेगा भाभी आएगी लल्ली की कल को भाभी आएगी लल्ली की परसों लल्ली को रसमलाई खिलाएगी रसमलाई खिलाएगी इनके बैठे खींच दो अकेले की हल्दी लिखा हुआ है तो गाइस बस अभी सबको खाना खिला के नीचे से और समेट के आई थी मैं रूम में तो मैंने सोचा पहले जल्दी से अपना रूम समेट देती हूँ कि साड़ी वगैरह सब सुबह जो वेयर करी थी वो फैली हुई थी तो मैंने सोचा जल्दी से पहले रूम समेटते हैं उसके बाद में आज है गाइस रत जगह तो हो सकता है ये ब्लॉग दो पार्ट्स में जाए क्योंकि इस ब्लॉग में मतलब वो है ना कि हल्दी का भी है ये और रत जगह भी है आज तो पूरी रात ही जगना है और सीरियसली बहुत बैंड बज रही है महक बहुत ज्यादा वाली बैंड बज रही है इतनी थकान हो रही है ऐसा लग रहा है बस अब बैट पकड़ो और रजाई ओढ़ो और सो जाओ बट अभी ऐसा नहीं होने वाला मुझे तो लगता है 2-3 बजे तक तो ऐसा नहीं होने वाला है ना मैं तो सो जाऊंगा भाई ये कल इनका एग्जाम है एग्जाम है ना महक का एग्जाम है तो महक को तो सोने का एक बहाना है बट हमें तो कोई नहीं सोने देगा फिलहाल अभी मैं जल्दी से रूम समेटती हूँ एंड उसके बाद मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि सब आवाज दे रहे हैं गीत होने स्टार्ट हो गए हैं और रज जगह है तो रज जगह में तो आप लोगों को पता ही है कितना धमाल होता है होगा वो जो गीत होते हैं बन्ना बन्नी गीत और रज जगह और चाहे चौराया भी पूछता है ना वो भी होगा तो सारी रस्मों के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी तक अपनी देखी थी अब दूसरे की देख रहे हैं